जय जय श्री राधे, लाडली लाल विजयते तराम। सभी को प्यार भरी राधे राधे, प्यारो बरसाना की तरफ से सभी को राधा अष्टमी के आपको बहुत बहुत बधाई। श्री जी के जन्म की, लाड़ों के जन्म की आपको बहुत बहुत बधाई हो। श्री जी आपके जीवन में खूब आनंद करें, खूब कृपा करें। आशा करते हैं महारानी कि आप खूब आनंद करें और आनंद लेते रहें। तो चलिए, हम बिना देर किए अब हम आपको श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे और साथ में ही श्री जी का एक मंगल हो रहा है, उसके बाद में श्री जी का एक चमत्कार हुआ था आज के दिन, वे हम आप आज आपको बताएंगे। और श्री जी का अभिषेक बहुत ही प्यार से मनाया गया, बहुत ही आनंद पूर्वक मनाया गया। आप सब लोग दूर थे, लेकिन श्री जी इतनी कोमल है, इतनी करुणामयी सरकार है, उन्होंने अपने अभिषेक पर भी एक चमत्कार किया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो भैया, सभी को श्री जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। महारानी का जन्म हो चुका है, श्री जी प्रकट हो चुके हैं। एक दिव्य ज्योति, जब श्री जी प्रकट होती हैं तो एक दिव्य ज्योति जो उत्पन्न होती है, मानो ऐसा लगता है कि कोई तेज प्रकाश इस तरह उत्पन्न हो रहा है, जिस प्रकाश से स्वयं भोले बाबा अपने ध्यान में थे, उनका ध्यान भी टूट गया। वह पार्वती जी को बोलने लगे कि पार्वती जी, एक ऐसी कन्या ने जन्म लिया है जो कि ठाकुर जी के आनंद स्वरूपा है। राधा रानी जब प्रकट हो चुकी है तो भोले बाबा साक्षात, मैंने पहले भी वर्णन किया था, भोले बाबा साक्षात लाली के दर्शन के लिए माँ कीर्ति के पास आए। तो आज श्री जी के मैं श्रृंगार का वर्णन करता हूँ। तो भैया, श्री जी ने आज जगमोहन में दर्शन दे रही हैं लाडली, और ऊपर से श्री जी ने बहुत ही डार्क पीले रंग की पोशाक है, बहुत ही डार्क पीला, और उसके ऊपर कमल के पुष्प बने हुए हैं डिजाइन से, और गोल्डन गोटा है लाडली का। श्री जी स्वर्ण हिडोले में दर्शन दे रही हैं भैया, और उसके बाद में लाडली जी ने सोने की चंद्र का धारण किया आज, और श्री जी ने प्यारी सी प्यारा सा चंदन लगा रखा है। श्री जी का वो प्यारा सा चंदन और एक प्यारी सी बिंदी लाडली जी के, श्री जी के चेहरे की मुस्कान में सच में आपको बयां करूं तो श्री जी इस तरह से मुस्करा रही है कि जन्मदिन जब होता है ना, सबको आनंद आता है। श्री जी मुस्करा रही हैं, साथ में लाडली जी ने गले में पाटिया है और एक सोने का एक पेंडल वाला एक हार है लाडली जी के, तो उसके बाद में श्री जी ने एक और लॉकेट पहन रखा है। फिर हमारी लाडली जी का बहुत ही प्यारा रानी हार है जो कि हीरों का हार है। फिर उसके बाद हमारी लाडली जी ने तीन रंग का सोने का हार पहन रखा है। सोच सकते हैं किस तरह से श्री जी का श्रृंगार होगा। और उसके बाद में भैया, हमारी लाडली जी ने एक लाल हार पहन रखा है, लाल जो गुलाब के जो पुष्पों वाला जो हार होता है, जो प्रसाद के रूप में मैंने आपको एक बार दिखाया था, वह आज हार पहन रखा है। श्री जी का जन्म उत्सव है, श्री जी हार तो पहनती हैं, शाम के टाइम पहनती है, लेकिन अब सुबह शाम दोनों टाइम चलेगा। श्री जी के जब तक यह उत्सव चलेंगे तो दोनों टाइम चलेगा, अद्भुत है। और उसके बाद में श्री जी ने एक माला पहन रखी है, मानो ऐसा लग रहा है, ऐसा आनंद की प्राप्ति हो रही है हमें कि साक्षात श्री जी अब भी ऐसा लग रहा है कि अपने जन्म के बाद में इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं। श्री जी सब पर कृपा बरसा रही हैं। उसके बाद में भैया, श्री जी के एक दो कमल लगे हुए हैं श्री जी के पास में, पुष्पों की चारों तरफ पुष्प श्री जी के चरणों में रखे हुए हैं। उसके बाद में भैया, हम बात करें ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी डार्क पीले रंग में इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी की, हम क्या वर्णन करें। लाला ऐसा चमक रहा है कि जैसे पूछो, जैसे हमारी लाली को जन्म भयो, जाको आनंद लाला ही प्राप्त भयो। लाला के चेहरे की वो मुस्कान अद्भुत है, वो प्यारा सा चंदन है,
गालों में मोटे मोटे गलुआमों पर चंदन है लाला के, सोने का तेज है टिपारा है, लाला का टोपी है सोने की, उसके बाद में एक नीले रंग की चंद्र का, जो कि बबलू भैया जो अभी हमारे साथ जुड़े रहते हैं परिवार में, वो उनका तरफ से श्रृंगार आया, हरियाली तीज पर भी श्रृंगार आया, आज भी उनका श्रृंगार आया है, उन्होंने नीले रंग की चंद्र का पहन रखी है। ठाकुर जी ने श्री जी की चंद्र का नीले रंग की वो ठाकुर जी ने अपने दोनों मुकुटों के बीच में पहन रखी है, उसके बाद में दो मोरपंख हैं जिन पर श्री राधा लिखा हुआ है, समझ सकते हैं कि वो श्री राधा की जो चमक है वो लाला के मस्तक पर किस तरह से खिल रही होगी। उसके बाद में लाला ने एक मोरपंख लगा रखी है और लाला की चेहरे की मुस्कान अद्भुत है भैया, अद्भुत है, ऐसा हंस रहा है लाला मोटे मोटे गालों के साथ, अद्भुत हंस रहा है, लाला का आनंद ही कुछ और है उस हंसी का, क्योंकि श्री जी का जन्म है तो लाला की तो हंसी ऐसे ही आएगी। उसके बाद में लाला ने भैया कंठा धारण कर रखा है और लाला ने एक और उसके बाद में सोने का हार है, उसके बाद में तीन लव का हार है लाला का, उसके बाद में भैया लाला ने सोने की मटर माला धारण की है और मटर माला के साथ में लाला ने एक गुलाब जो वाला हार है जो श्री जी ने पहन रखा है, गुलाब फूलों का वह हार पहन रखा है, लाला का अद्भुत है भैया, अद्भुत आनंद है उस श्रृंगार का। और उसके बाद में भैया लाला ने एक माला पहन रखी है, उसके बाद में हाथ में बंसी है प्यारी सी, कमर में उसकी लकुट है लाला की, और चारों तरफ पुष्प हैं जो लाला का श्रृंगार है, अद्भुत है, अद्भुत है, मज़ा लाला ही ले रहा है, जन्म लाली को भयो हमारी को, लेकिन मज़ा लाला ले रहा है। जय हो ब्रह्मा जी, जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो लाली लाल की। जय हो कामधेनु माता, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय हो हनुमान जी, जय हो नागा जी, जय जय श्री राधे। जय हो दादी बाबा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।